आज के इस वीडियो में हम उस शेरदिल खातून के बारे में बात करेंगे जो तहरीके आज़ादी के उन चंद रहनुमाओं में से एक हैं, जिनके तहरीके आज़ादी में रोल को किसी तरह भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उनकी याद मुल्क की बुनियादों में जा गुजरे हैं और उनको भुलाना नामुमकिन है। एक कमज़ोर खातून होने के बावजूद उन्होंने बरतानवी साम्राज्य मुखालिफ एक फौज की क्यादत की और बरतानवी अफवाज को नाको चने चबवा दिए। वो शेरदिल खातून बेगम हजरत महल है। हिंदुस्तान, जिसको दुनिया सोने की चिड़िया के हैसियत से जानती थी, उसको अंग्रेज तबाहो बर्बाद करना, उसके बाशिंदों को गुलाम बनाना और उसकी दौलत को इंग्लैंड की तिजोरियों में भरना चाहते थे। बाज़ बेबसीरत लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजी इस्तेमार हिंदुस्तान के हक में मुफीद रहा। उनका कहना है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई, जदीद तालीम को हिंदुस्तान में मुतारिफ कराया और मुल्क की तरक्की की बुनियाद डाली, लेकिन ये दलील बेबुनियाद है क्योंकि इस्तेमार ने मुल्क की अर्थव्यवस्था की ईंट से ईंट बजा दी। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और अपनी तोपों और बड़े बड़े जंगी जहाज़ों से हिंदुस्तान पर चढ़ दौड़े, उस वक्त हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था आलमी अर्थव्यवस्था का 25% थी। और जब 250 साल के बाद उनको मुल्क से धक्के मारकर निकाला गया तो आलमी अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी महज 1% थी। लोगों की माशी हालत दीकर गो थी और मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत, अफलास और भूखमरी से दोचार था। 1857 के गदर में बेगम हजरत महल ने दिखा दिया कि औरत क्या कुछ नहीं कर सकती। हजरत महल आहनी आसाब की मालिक थी। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लगने के बावजूद उन्होंने लाखों लोगों में वो जोश भर दिया जिसके बाद आज़ादी के मतवालों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आज़ादी की जंग में अपने आप को झोंक दिया। ये उस वक्त की बात है जब बहुत सारे ताकतवर लोग बरतानवी इस्तेमार के आगे अपने आप को बेबस महसूस करते थे। सबसे पहले बेगम हजरत महल की अफवाज ने अवध के दारुल सल्तनत लखनऊ पर कब्जा किया, फिर मजाफात और करीबी कस्बात पर उनकी अफवाज काबिज हो गई। अंग्रेजों की एक बड़ी फौज जिसके पास जदीद जंगी हथियार और अददी बरतरी भी थी, एक साल के तवील अरसा के बाद ही लखनऊ को दोबारा अपने कब्जा में ले सकी। बेगम हजरत महल 1820 में फैजाबाद में पैदा हुई। वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। जब 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को सल्तनत से पूरी तरह बेदखल करके कलकत्ता भेज दिया तो वो लखनऊ में ही रही। 1857 के गदर में उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की क्यादत की और लखनऊ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने बेटे प्रिंस बिरजिस कद्र को लखनऊ का वली बनाने का भी ऐलान किया। शिमाली हिंदुस्तान से मुजाहिदीन आज़ादी की एक बड़ी तादाद उनके आलम के नीचे जमा हो गई। उनमें मौलाना फजलुल हक खैराबादी भी हैं जो मुगल शहनशाह बहादुर शाह जफर की जिलावतनी के बाद अपने साथियों समेत बेगम हजरत महल की अफवाज से आ मिले। उन्होंने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर न सिर्फ अंग्रेजों से जंग की बल्कि उनके दांत खट्टे कर दिए। मोहियुद्दीन मिर्जा, जिन्होंने बेगम हजरत महल की जिंदगी पर एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दि लास्ट क्वीन ऑफ अवध बनाई है, कहते हैं कि बेगम हजरत महल की कामयाबियों को अंग्रेज फौजी अफसरान ने भी कबूल किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान मिर्जा ने कहा, वो एक पैदाइशी लीडर थे। उनकी तारीफ तारीख के बेहतरीन फौजी अफसर और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर की जाती है। उन्होंने बजाते खुद लखनऊ रेजिडेंसी का मुहासरा किया। उन्होंने अंग्रेजों का जिस पामर्दी से मुकाबला किया उसकी मिसाल शिमाली हिंद में कहीं नहीं मिलती। वो बाद के जंगों में भी फतेहयाब रहते अगर अंग्रेजों को नेपाल के बादशाह का ताउन हासिल ना होता। उन्होंने यूनिफॉर्म में किसान फौजी मुहिम चलाई जो जल्द ही पूरे अवध और दूसरे इलाकों में फैल गई। उनकी फौजी मुहिम महज अवध को आज़ाद कराने की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की आज़ादी के लिए थी। चिन्हट के मुकाम पर बरतानवी अफवाज की शिकस्त फाश को खुद अवध के चीफ कमिश्नर सर हेनरी लॉरेंस ने कबूल किया है। उसके मुताबिक 30 जून 1857 को बेगम हजरत महल की अफवाज ने
अंग्रेज अफवाज को बदतरीन शिकस्त दी थी। बेगम हजरत महल का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे अहम इल्जाम ये था कि वो मस्जिद और मंदिरों को बर्बाद कर रहे हैं। एक खत में वो कहती हैं कि अंग्रेजों के मुताबिक सुअर का गोश्त खाना, शराब पीना, चर्बी लगी हुई गोलियों को बंदूकों में इस्तेमाल करना, सुअर की चर्बी को मिठाइयों में मिलाना, मुसलमानों और हिंदुओं के मजहबी मकामात को सड़क बनाने के बहाने से गिराना, ईसाई पादरियों के जरिए ईसाइयत की तबलीग, उसी मकसद के लिए अंग्रेजी स्कूलों का कायम और अंग्रेजी की तालीम के लिए माहाना स्कॉलरशिप, ये सब मुल्क को बर्बाद करने के लिए है। एक तरफ तो ये लोग ये सब कर रहे हैं और दूसरी जानिब हिंदुओं और मुसलमानों की इबादत गाहों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। ये सब देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि ये लोग मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। बेगम हजरत महल की वो फौज जिसने बरतानवी फौजों को शिकस्त देकर लखनऊ और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया था, वो हिंदुओं और मुसलमानों पर मुश्तमिल फौज थी। इब्तदाअन तो उनकी फौज की कमान एक हिंदू कमांडर राजा जयलाल सिंह के हाथ में थी। नाना साहेब भी एक मुद्दत तक हजरत महल के साथ रहे। हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजी अफवाज को शिकस्त दी थी। बिलआखिर जब मुख्तलिफ हरबों को इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने हजरत महल को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की तो उन्होंने नेपाल में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। इब्तिदा में तो उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई, लेकिन फिर उनको पनाह दे दी गई। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम काठमांडू में गुजारे और 1879 में उनका वही इंतकाल हुआ। हजरत महल को काठमांडू की जामे मस्जिद में दफन किया गया, जहाँ अब भी उनका मजार मौजूद है।